भाई रिचार्ज मोर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तय दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूं कि सर आए हैं यहाँ पे, थैंक यू बोलना चाहता हूं सर अशोक कुलारी जी को। और जो कि आज अगर नेशनल लीडर, अगर किसी को मैं अगर आइडल मानता हूं, जैसे कि सर आफ्ताब आलम जी, तो आज आए ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज ही था। जिस दिन, जिस रात को मुझे खबर मिला कि आफ्ताब आलम सर आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसी दिन मैंने सोच लिया कि हाँ ये तो कुछ अलग ही होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आपको इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। मेरा नाम सुदीप दास और मैं इंडियन डायरेक्टर हूं। इससे पहले मैं क्या करता था, मेरा एक दुकान है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसने मुझे इस लाइक समझा माय रिचार्ज में आने के लिए, मिस्टर अबुल हुसैन जो मेरा अपलाइन है, उनके लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए। जब मैंने सबको, बहुत सारे आदमी को पता है कि जब माय रिचार्ज का जब ये प्रोजेक्ट मैंने सुना, 2100 रुपीज भी मैंने किस तरह से दिया था, इंस्टॉलमेंट के तौर से दिया था। यह सुनो बहुत सारे को पता होगा, 2100 रुपीज भी मैंने इंस्टॉलमेंट में दिया था। कि इस तरह का बैकग्राउंड और इस तरह का सिचुएशन में मैं चल रहा था उस समय पे। और आज अगर देखा जाए तो आज ये दो साल के अंदर में इंडियन डायरेक्टर तो मैं बना, सबसे मुझे प्राउड फील होता है कि आज जॉब और बिजनेस अगर कोई भी करता है तो खुद के बारे में सोचता है। यस और नो? लेकिन आज अगर मैं यहाँ पे इंडियन डायरेक्टर खड़ा हूं तो मेरे टीम में भी आज 8 रॉयल्टी होल्डर है, जिसमें से 5 लेडीज भी है जो मेरे टीम से है। और अगर देखा जाए तो जैसे कि 2100 रुपीज देने के लिए जब मैं तरस गया, जो इंस्टॉलमेंट में दे रहा था, पिछले महीना का अगर इनकम देखा जाए तो पूरा नागालैंड स्टेट में सबसे ज्यादा पे आउट अगर आया तो सुदीप दास का नाम का था, वो सबको बताया चाहिए। सिंपल सी बात है कि बहुत आदमी बोलते हैं कि माय रिचार्ज बहुत कठिन है, यानी ये हमेशा मैं ट्रेनिंग में बोलता हूं। और आज फिर से एक बार ये क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं कि माय रिचार्ज अगर कठिन है, मुश्किल है, तो भाई आसान क्या है? इसका जवाब अगर मुझे मिल जाए तो मैं माय रिचार्ज छोड़ दूंगा। मैं, किसी के पास इसका जवाब है कि माय रिचार्ज अगर मुश्किल है तो आसान क्या है? अगर आसान है तो फिर आज के डेट में सुबह से लेकर शाम से लेकर सुबह हर कोई मेहनत क्यों कर रहा है? ये सर नो, मेहनत क्यों कर रहा है? आज अगर देखा जाए तो जो वाइन के बात करता है ज्यादातर यहाँ पे, जो कुछ समय पहले वाइन के बारे में कुछ एक शख्स बताया गया है, वाइन का जो शॉप है, वाइन शॉप जो है, वो लोग भी अगर प्राउडली अगर वो लोग भी दारू किसी का जिंदगी बर्बाद करता है वो लोग प्राउडली, तो हम लोग तो यहाँ कोई वाइन कोई गलत चीज तो नहीं दे रहा। आयुर्वेदिक वो लोग से भी ज्यादा प्राउड फील किसे करना चाहिए हमें? यस, हनी, क्योंकि अगर दारू दुकान वाला भी अगर प्राउडली किसी का जिंदगी बर्बाद कर सकता है तो हम लोग यहाँ पे प्राउडली किसी का जिंदगी आबाद कर रहा है। यस और नो? यस। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि एक सेलिब्रिटीज, हम लोग हमेशा टीवी मूवी वगैरह देखते हैं, सेलिब्रिटीज भी खुद को इंसल्ट करके, हमें एंटरटेनमेंट करके ही वो लोग पैसा कमाता है। यस और नो? यस। तो हम लोग यहाँ में अगर कुछ खुद को इंसल्ट तो नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या सुनेगा? ना सुनेगा। 10 आदमी को प्लान दिखा दिया तो 10 आदमी में से 8 आदमी ना बोल देगी। ये सुनो, यही तो करेगा, क्या फर्क पड़ता है? मुझे एक चीज सीख में आया, जो मेरा माँ पिताजी भी मुझे यही सिखाया कि जिंदगी में बेटा कभी हार नहीं मिलता है, या तो तुझे जीत मिलेगी या तो उस जगह से कुछ सीखने को मिलेगा। यही चीज मेरे दिमाग में सेट हो गया कि मैं कभी अपने आप को हार नहीं मानना चाहता, कभी भी मैंने आज तक हार माना नहीं है। आज यहाँ पे मेरा फैमिली मेंबर से कोई नहीं है, अगर वो लोग अगर यहाँ पे होता तो वो लोग को मैं बताना चाहता हूं कि सुदीप दास एक ऐसा पैदा हुआ आपके खानदान में, जो सिर्फ मेरा खुद का नाम नहीं रोशन करूंगा, मैं साथ ही मेरा अपना जितने भी टीम है, पूरा टीम को लेके एक इतिहास बना के रहूंगा मैं माय रिचार्ज से। और ये इतिहास बहुत जल्द बनने वाला है, क्योंकि मैं December 29 को रूबी डायरेक्टर का जो मैंने प्लानिंग कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में मैंने बताया था, December 29 को मैं डायमंड डायरेक्टर बन के मैं खड़ा होऊंगा। जो फर्स्ट इवेंट जब भी होगा उसमें मैं डायमंड बन के रहूंगा मैं, ये मेरा कमिटमेंट है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आज आदरणीय सर, जो भी सर अशोक कुलारी जी, MD आफ्ताब आलम जी एंड लेडी आइडल जयावारती जी, उन लोगों को ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, दुख भरा पड़ा हुआ है, दुख भरी जिंदगी से काट के आके आज जो ये मौका मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत थैंक यू सर, आपके लिए आज मेरा ही नहीं, मेरा टीम पूरा दिमापुर सारा झूम रहा है माय रिचार्ज में, और इसी तरह आपका ब्लेसिंग चाहिए कि झूमता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।